और उसका जैली आपके सामने आया हसन सलोक वालदान के साथ उसी का एक हिस्सा और दूसरा गैरों और गैर मुसलिमों के साथ अल्लाह के रसूल वसलम का जो हसन सलोक था मैं आज उस ताल्लुक से आपके सामने कुछ बातें करूँगा मैं अपनी बात का आगाज़ यहाँ से कर रहा हूँ कि अपनी बात को मैंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है पहले हिस्से में मैं आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि दुश्मनों ने आपके साथ क्या क्या किया है चाहे वो तकालीफ की बात हो जुल्म की बात हो ज्यादाती की बात हो आपको हरासा करने की बात हो आपकी अपनी जात की बात हो आपकी औलाद की बात हो आपके घराने की बात हो आपकी बीवियों की बात हो कहां कहां तक दुश्मन जमीर से गिरा है और दूसरे हिस्से में यह बताने की कोशिश करूंगा कि इसके बावजूद जिस दिन अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ताकत में आए हैं जिस दिन आपने सामने उन दुश्मनों को देखा है तो आपने उनके साथ बगैर किसी बदले की भावना के कितना बेहतरीन सुलूक किया है और यह इसलिए दो दर्पण में आपको इसलिए दिखाऊंगा कि आज दुनिया में एक आवाज उठ रही है और आवाज इस माना करके उठ रही है कि अलैहि वसल्लम शांति के प्रचारक नहीं थे यह इस बात को दूसरा रुख देकर दूसरी जबान में यूं कहा जा रहा है कि इस्लाम तलवार के जोर से फैलाया गया या इसी बात को दूसरे अंदाज से दूसरे लोग यूं बयान कर रहे हैं कि दुनिया में दहशत गर्दी इस्लाम फैला रहा है मैं उन सब के सामने रसूलुल्लाह का एक दर्पण रखने की कोशिश करूंगा ताकि वो ईमानदाराना तौर पर तज़िया करें और तज़िया करने के बाद जो ईमान वाली बात है सच्चाई वाली बात है उसे कबूल भी करें और फिर उसको लोगों तक पहुंचाएं अल्लाह के रसूल साम के साथ लोगों ने कौन सा सलूक किया मैं यूं कहूं कि कौन सा सलूक ऐसा नहीं किया कि जिससे आपको तकलीफ ना पहुंची हो अल्लाह के रसूल साम को लोगों ने पागल कहा दीवाना कहा मजनू कहा साहिर कहा और बात अगर कहने तक थी तो किसी हद तक मान ली जाती कोहे सफा पर अल्लाह के रसूल सिर्फ दीन की दावत दे रहे हैं आपको पत्थर मारकर लहू लहन कर दिया गया आप खाने काबा में अल्लाह के सामने इबादत करने के लिए हाजिर हुए और सजदे की हालत में है कि आन सजदे की हालत में ऊंट की ओजड़ी आपकी पीठ पर रख दी जाती है इसके अलावा मक्का के अंदर किन किन तरीकों से आपको सताया जा रहा है तकलीफें पहुंचाई जा रही हैं आपके खिलाफ साजिशें की जा रही हैं आपको हर महाज पर कमज़ोर करने के लिए प्लानिंग की जा रही हैं और जब उसमें ये महसूस करते हैं कि शायद ये सब करने के बाद भी हम रसूलुल्लाह को किसी भी तरह से उनके मिशन से हटा नहीं पाएंगे तो अपने यहाँ का मजबूत आदमी अल्लाह के रसूल की, की खिदमत में भेजते हैं और वो बात लेकर इस अंदाज से आपके हुजूर जाता है कि देखो अगर आपको माल की जरूरत है तो माल दे देंगे आपको मक्का की सरदारी चाहिए तो वो दे देंगे और अगर आपको खूबसूरत लड़की चाहिए तो वो दे देंगे कैसे कैसे लालच भी आपके सामने रखने की कोशिश की उन लोगों ने मक्का वालों ने कब कब और कहां कहां आपको तकालीफ नहीं दी शेब अभी तालिब का तीन साल जो महसूरी का जमाना है अगर तारीख के हवालों से पढ़ा जाए और बताया जाए तो नाजरे ने किराम आंसुओं से रोएंगे हम एक दिन का मामला नहीं है एक हफ्ता और महीने का मामला नहीं है मुसलसल तीन साल तक आपका सोशल बाइकाट किया गया कोई चीज भी आप खरीद नहीं सकते मक्का से कोई चीज भी आप बेच नहीं सकते तारीख लिखती है कि रातों में बच्चों के बिल बिलाने की आवाजें आती थी शीर बच्चे जिन्हें दूध नहीं मिलता था वो बिल बिलाते थे कराहते थे लेकिन जालिम मक्का वालों को तरस नहीं आता था अल्लाह के रसूल ने अपने साथियों के साथ तीन साल मुसलसल गुजारे हैं कभी पत्ते खा रहे हैं कभी छाल खा रहे हैं कभी चमड़ा भिगो भिगो कर चूस रहे हैं रात की तनाही में अगर किसी को जरा सा रहम आया और वो किसी तरह से कुछ खाने की चीज डाल गया वो बड़ी नेमत थी उस वक्त की और ताइफ का मैदान कौन नहीं जानता अल्लाह के रसूल साम को कितना लहूलहान किया वहां पर औबाश अस लड़कों के हवाले कर दिया वो आपको पत्थर मारते अल्लाह के रसूल गिर जाते उठने की कोशिश करते फिर मारते फिर आप किसी तरह से सहारा लेकर उठते तो फिर मारते ये इजाएं ये तकालीफ तारीख की किताबों में महफूज हैं ये मैं आपको हवाई बात नहीं कर रहा हूं जिस नबी को इतना सताया गया हो जिस नबी को इतनी तकालीफ पहुंचाई गई हो और आखिर में उसने ये तय कर लिया हो चलो मक्का छोड़ना है और मदीना की हिजरत की तरफ जब आपने अपना कुछ किया तो तब भी ये बाज नहीं आए बड़े बड़े ऐलानात किए जिंदा और मुर्दा पकड़ के ले आएगा तो ये देंगे सो उड़ देंगे सुरख देंगे ऐसा देंगे उसे नवाज देंगे उतना इतना उसे इज्जत देंगे इसी में तो सुराखा बिन जोशम ने पीछा किया था और जब आप मक्का से मदीना चले गए तो आप जानते हैं कि मक्का वालों ने ऐसा नहीं कि काम खत्म कर दिया अपना हिजरत के बाद ये आराम से बैठे हों बल्कि हिजरे मदीना के बाद भी गजव बदर हो गजवद हो गजवे खंदक हो सुलह उदेबिया हो या इसके अलावा जो छुटपुट घटनाएं हैं उन सब को अगर इकट्ठा करें तो ये भी मक्का की साजिशों का हिस्सा थे और सिर्फ मक्का वालों ने नहीं मदीना में आए तो मदीना के यहूदियों ने भी आपके खिलाफ प्लानिंग की साजिशें की आपको मारने की प्लानिंग की आपको जहर तक खिलाया मुनाफिकीन में आप देखते हैं कि वो भी रेशा दवानाइयों में पीछे नहीं थे अल्लाह के रसूल की सबसे ज्यादा चहेती बीवी माए आयश सदीका रदी अल्लाह पर जिना का जो इल्जाम लगा वो मुनाफिकीन ही की वजह से इसके बावजूद कि आपके साथ ये जुल्म किए गए आपके साथ इस तरह की हरकतें की गई आपके साथ इस तरह का व्यवहार लोगों ने किया अल्लाह के रसूल सल्लम ने अपने दुश्मनों के साथ क्या किया आइए एक वाकया सुन लेते हैं अल्लाह के रसूल सल्लम एक सफर से आ रहे हैं थक गए हैं आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे लेट गए और आपने अपनी तलवार निकाली उस पेड़ पर टांग दी एक काफिर आया देखा सो रहे हैं तलवार उठाई आपको जगाया और जगाने के बाद कहा कि बताओ मुझसे कौन बचाएगा तुमको तलवार हाथ में लेकर अल्लाह के रसूल की आपके मुकाबले पर आकर खड़ा हो गया कहा कत्ल कर दूंगा कौन बचाएगा बताओ अल्लाह के सल्लम ने पूरे एतमाद और भरोसे के साथ फरमाया अल्लाह नाजर ने किराम हमारा थोड़ा सा अल्लाह से जितना मजबूत होना चाहिए वो कमजोर सा होता चला उस बात को समझिए जरा और उसमें जो ईमानदारी पैदा करने की जरूरत है उसे पैदा कीजिए आपने फरमाया अल्लाह बस इतना सुनना था वो कांपने लगा थर्राने लगा तलवार हाथ से गिर गई अब वो तलवार अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ में उठा ली और आपने कहा कि अब बता तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए अब काफिर अल्लाह को तो मानता नहीं था थर थर कांपने लगा कुशाम करने लगा जो अभी कत्ल पर आमादा था आपकी जान लेने वाला था आपको मारने के लिए तैयार था आपको डरा रहा धमका रहा था आपको मौत याद दिला रहा था Allah के रसूल ने फरमाया जाओ माफ कर दिया उसके। एक तो उसका व्यवहार देखिए और एक अल्लाह के रसूल का देखिए दूसरा वाक ले लेते हैं। तारीख में नाम है सुमामा बिन असाल यमामा के सरदार हैं बड़ा इनका नाम है इन्हें अल्लाह के रसूल की जात से बड़ी परेशानी है ये कहते हैं कि दुनिया की सबसे खराब बस्ती मदीना और दुनिया का सबसे खराब चेहरा अगर किसी का तो रसूलुल्लाह का साहबा को बड़ी तकालीफ पहुंचाई अल्लाह के रसूल के साथ भी इस तरह की बातें की के मिल जाए तो कत्ल कर दें अल्लाह के रसूल ये सब ऐलान कर रखे थे इस शख्स ने इत्तेफाक देखिए एक दिन ये तो अल्लाह के रसूल वसल्लम की खोज में रहता था कि कहीं मिल जाए तो हमला करे और कत्ल कर दे उल्टा हो गया कि साहबा ने इनको गिरफ्तार कर लिया गिरफ्तार करके अल्लाह के रसूल वसल्लम की मस्जिद नबी के एक थम और सतून से बांध दिया अल्लाह के रसूल जब तशरीफ लाए तो आपने फरमाया सुमामा, चलो तुम ही बताओ कि तुम्हारे साथ क्या सुलूक किया जाए तो उन्होंने कहा इन तख्तुल जादमिन व इन तुन, तुन इम तुन इम अला शाह अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मैं इसका इरारी हूं कि मैंने वो जुर्म किया है कि उसकी सजा कत्ल मिलनी चाहिए लेकिन अगर इनाम करेंगे तो मैं एहसान मंद रहूंगा एहसान फरामोश नहीं रहूंगा आपने कहा ऐसी बंधा रहने दो देखो खाने में पीने में किसी जरूरत में कोई परेशानी मत आने देना अपने साहब से फरमाया ऐसी आपने एक दिन गुजार दिया आपने दूसरे दिन फिर उनसे मुलाकात की और यही जुमले आपने उनसे कहे तो उन्होंने भी वही जुमले कि अगर आप मुझे कत्ल करना चाहें तो मैं ये समझता हूं कि कत्ल मेरा वाजिब है लेकिन अगर आप माफ कर देंगे एहसान करेंगे तो एहसान मंद रहे अपने साहबा से फरमाया कि ख्याल रखा ना कि तो हां ख्याल रखा कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची सुमामा को साहबा ने कहा हमारी तरफ से तो हमने पूरी कोशिश की हमने कोई तकलीफ पहुंचने नहीं दी ये कैदियों के साथ अल्लाह के रसूल का व्यवहार है मैं दुनिया में जो कैदियों के साथ की जा रही हैं अगर वो दर्पण आपको दिखाने लगूं आज तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐसी ऐसे बंधा रहने दो तीसरे दिन अल्लाह के रसूल तशरीफ लाते हैं और आप फरमाते हैं सुमामा ये बताओ क्या तुम्हारे साथ सुलू किया जाए उन्होंने वही जुमले दोहरा दिए अल्लाह के रसूल वसल्लम ने फरमाया खोल दो समामा को खोल दो लंबा तफसीली वाकया है आपके हवाले है आप पढ़िएगा इसको बाद में वो मुसलमान भी हो गए लेकिन जो आदमी कत्ल का ऐलान कर रहा है जो रसूलुल्लाह का दुश्मन है जो साहबा को ईजाए पहुंचा रहा है तकालीफें पहुंचा रहा है सामने है अल्लाह के रसूल माफ करके उसे छोड़ दे आइए एक वाक्य और इस तालुक से ले लेते हैं और इसको जरा बहुत ईमानदारी से समझने की जरूरत है और दोनों का तोजन समझने के बाद कि अल्लाह के रसूल के साथ क्या सुलूक किया इन लोगों ने मक्का वालों ने और अल्लाह के रसूल ने क्या उनके साथ सुलूक किया वो है फतेह मक्का का दिन फतेह मक्का का दिन वो दिन है सारे मक्का के दुश्मन एक साथ खड़े हैं यहां अबू सुफियान भी खड़े हैं आपके चचा हमजा को नेजा मारने वाला वैशी भी खड़ा है हिंदा भी खड़ी है सब इस इंतजार में है कि आज कौन सी सजा अल्लाह के रसूल बोले सब ये समझ रहे हैं कि हमें कत्ल कर दिया जाएगा और एक जुमला सुना भी गया किसी कहने वाले ने कह दिया कि आज तो इंतकाम का दिन है इंतकाम का दिन बदले का दिन रसूल ऐसे इस दुनिया के अंदर हादी बनकर आए हैं कि आपने कभी किसी के साथ भी बदले की भावना नहीं रखी मालूम है आपने कहा आपने पहले उस जुमले का कंडम किया कि यह मत कहो कि आज बदले का दिन है कतल का दिन है मारने और बोटी बोटी कर देने का दिन है नहीं आज रहम का दिन है और आपने वो जुमला इस्तेमाल किया तारीखी जो हजरत यूसुफ हरत सलाम ने अपने भाइयों के लिए इस्तेमाल किया था ला तसरीब अलैकुम अल-यौम व तस्रीब सारे दुश्मन सामने खड़े आपको याद आ रहा कि इसने ये ईजा पहुंचाई इसने ये जुमला इस्तेमाल किया इसने मेरे सहाबी के साथ ये हरकत की मेरे साथ साथी तौर पर इसने ये बर्ताव किया लेकिन इन सबको भुलाते हुए अल्लाह के रसूल ने आम ऐलान फरमा दिया और सिर्फ ऐलान नहीं फरमाया बल्कि उस ऐलान में अल्लाह के रसूल ने जोड़ दिया एक तारीखी जुमला भी आपने फरमाया कि जो खान काबा में चला जाएगा उसको आम माफी है जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा जो मुशरकिन का कुफार कुछ सालार था उसको फरमाया कि इसके यहां चला जाएगा उसको भी आम माफी दुश्मनों के साथ इतना बेहतरीन सलूक क्या दुनिया में देख सकते हैं कोई मिसाल हम पेश कर सकते हैं आइए आखिरी बात में हारज करूं और एक वाकया और ले लेते हैं मदीना के लोगों ने और उनमें मुनाफिकीन ने कौन सी कसर आपको तकलीफ पहुंचाने में नहीं छोड़ी यकूल रजाना इल मदीनाजन लादल कुरान बयान करता है कि जंग अहद के मौके पर यह मुनाफिकीन का जो सरदार बना फिर रहा है बिन सुलूल इसने कहा था कि अगर किसी तरह से आज बच गया ये तो मदीना जाकर इतना जलील करेंगे इतना जलील करेंगे इतना जलील करेंगे किसको अपनी औकात समझ में आ जाएगी ऐसे जुमले कहने वाला इसका बेटा हजरत अब्दुल्ला मुसलमान थे सहाबी रसूल थे उन्होंने कान से सुने जुमले तो उनसे रहा ना गया और जंग जब खत्म हो गई अहादीस में आता है मदीना के करीब आकर खड़े होकर कहा तलवार निकाल करके बाप की गर्दन उड़ा दूंगा साहब ने फरमाया जंग बंद हो गई क्या कह रहे हो बात रसूलुल्लाह तक पहुंची रसूलुल्लाह आए फरमाया क्या हुआ कहा ऐसे ऐसे आपकी शान में गुस्ताखी की है इसने फरमाया मेरे लिए कहा मैं माफ करता हूं वो उबैब ने सुल जिसने इतने खराब जुमले रसूलुल्लाह के लिए और जुमले नहीं बल्कि आपके खिलाफ जितनी साजिशें कर सकता था जितनी प्लानिंगे कर सकता था आपके मिशन को जितना कमजोर कर सकता था सारे हथकंडे इस्तेमाल किए इंतकाल हो गया बेटे आए हजरत अब्दुल्ला का का इंतकाल हो गया अल्लाह के रसूल अपना कुर्ता दे दीजिए आपने अपना कुर्ता उठाया दे दिया मुनाफिकीन का सरदार इस्लाम का दुश्मन रसूल का दुश्मन आपकी चहेती बीवी माई आयशा सिद्दीक और जिना का इल्जाम लगाने वाला ये उसकी सरदारी और अगवाई करने वाला ये बात को बड़ा बड़ा कर पेश करने वाला ये आपने अपना कुर्ता उठाया दे दिया जब नहला दिया गया कफना दिया गया तो बेटे हजरत अब्दुल्ला आए और फरमाए अल्लाह के रसूल आप नमाज भी पढ़ा देते तो आप नमाज पढ़ाने के लिए चल दिए पीछे इकराम में चीमी हो रही है अल्लाह के रसूल सरदार की नमाज पढ़ाने जा रहे हैं लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा कोई अल्लाह के रसूल से कह सके हजरत उमर फारूक ने हिम्मत की और हिम्मत करने के बाद अल्लाह के रसूल से फरमाया अल्लाह के रसूल आप किसकी नमाज जनाजा पढ़ाने जा रहे हैं का उबैब इब्न सलूल की मुनाफिकीन के सरदार की कि हाँ मैं जानता हूं ना आप बढ़ते जा रहे हैं और अहादीस में आता है कि आप गए और आपने नमाज जनाजा पढ़ा दी किसकी मुनाफिकीन के सरदार की और अहादीस में तो यहां तक आता है कि अल्लाह के रसूल ने उसके लिए दुआए मगफिरत भी की बाद में आया और कुरान मजीद की आयत लेकर आए कि आप किसी भी ऐसे आदमी के लिए दुआए मफ़रत या इस्तार ना करें लेकिन रसूल लाह सल सल्लाम ने दुनिया को यह बता दिया कि मक्का वालों ने अगर आपके साथ ज्यातियाँ की हैं तो मक्का के साथ फते मक्का के दिन अल्लाह के रसूल ने अपने रहम का अपनी शफकत का अपनी मेहरबानी का अपने नरम सलूक का दुनिया को दर्पण दिखाकर बताया कि ये शांति बांटने आया है अमन बांटने आया है और इस्लाम सलामती को कहते हैं सुकून को कहते हैं प्यार को कहते हैं हमदर्दी को कहते हैं गम को कहते हैं तो नाजरीन ने किराम एक दर्पण ये दिखाया अल्लाह के रसूल ने और दुश्मनों का मुनाफिकीन के सरदार के साथ आपने दूसरा दर्पण दिखाकर बताया कि ज़रा वसात पैदा करो दिलों के अंदर तंग नजरियाँ पैदा ना करो और दुनिया में इस्लाम का पैगाम ले जाने से पहले अपने अंदर उतना हौसला उतनी हिम्मत जगाओ पैदा करो दुनिया को बता सको कि दुनिया में इस्लाम शांति के लिए आया है सुकून के लिए आया है अमन के लिए आया है और रसोल्ला की पूरी ज़िंदगी इसकी गवाह है कि आपने सिर्फ अपनों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया बल्कि गैरों के लिए भी आपका वही सलूक रहा और गैरों के लिए नहीं बल्कि सीधे सीधे सामने वाले दुश्मनों से भी कभी आपने बदला लेने की कोशिश नहीं की हमें भी रसूलुल्लाह की उस सीरत से सीखना और समझना चाहिए नाजर ने क्राम और माफ़ी का दरवाज़ा खोल के रखना चाहिए और हर एक के साथ प्यार से मोहब्बत से शफकत से पेश आना चाहिए मुझे उम्मीद है कि हम इस्लाम की इन बातों को सीखेंगे समझेंगे इन वाकयात से नसीहत लेंगे और इन वाकियात के बाद अपनी जिंदगी के अंदर चेंजिंग करेंगे असलकुम वरम वक्त ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करे